वहीं अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मकानों के प्रभावित निवासियों ने प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के काफिले को रोककर मकानों की मांग की है। बड़वानी पहुंची मंत्री ने कहा कि जिन जिन योजनाओं को पूर्व सरकार द्वारा चलाया जा रहा था उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं, इसलिए उन योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए राशि आवंटित किए जाने के बाद पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कितनी राशि बटी है उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई इस पर की जाएगी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की कमी की बात पर मंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कई डॉक्टर राजनीति में आ गए हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि बड़वानी सहित पूरे प्रदेश में अच्छे डॉक्टर और अच्छी सेवाएं दी जाएं। मैं अभी मीटिंग में आई हूँ, मेरी पहली मीटिंग है। अभी देखूंगी मीटिंग में, कलर साहब भी है, क्या है, क्यों हटाया गया, क्या कारण थे, गरीब के साथ अन्याय नहीं करता।